नमस्कार दोस्तों, मैं जादूगर सुनील। आज मैं गला थोड़ा खराब है, कल सो करके आया हूँ ना, फिर भी मैं कुछ बात करता हूँ। आज मैं मैजिक नहीं दिखाऊंगा, मैजिक दिखाएंगे जाने माने आपका पसंदीदा मोटिवेशनल स्पीकर। आपका नहीं, हमारा भी पसंदीदा, वो है संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी जी ने एक बहुत ही बढ़िया मैजिक दिखाया, और ये मैजिक हम अभी देखते हैं। ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड मतलब अब कहीं भी जाओ यही मैजिक सब पसंद भी करता है और सब जादूगर लोग करना भी चाहते हैं। वो क्या, वो है मेंटलिज्म। मेंटलिज्म करने में क्या होता है, कोई सामान का जरूरत नहीं है, हाल हाल में खचाखच ऑडियंस भरा हुआ है, उसी में भी आप ये मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए ये संदीप महेश्वरी जी ने कैसे ये परफॉर्म किया, पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। चलिए देख लेते हैं, हम भी देखेंगे आपके साथ साथ, चलिए देखते हैं। Please have a seat. Love you too, जी, love you too. कितने लोग आप में से मानते हैं कि आपको और मेरा दिल का एक कनेक्शन है? सारे मानते हैं। आज से पहले हम कभी मिले नहीं हैं। क्या हो मैं अगर आप लोगों को कहूं कि आज तक मैंने जितने भी सेशंस करे हैं, ये जो आज का सेशन होने वाला है, उन सबसे बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। मजा आएगा। पिछले कुछ समय से मैं माइंड रीडिंग को स्टडी कर रहा हूं, जिसको मेंटलिज्म भी बोलते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो कितना सही है कितना नहीं है। तो आज पहली बार मैं प्रैक्टिकली एक स्टेज के ऊपर आप सबके सामने कुछ परफॉर्म करने वाला हूं। मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, तो हो सकता है वो जो मैं एक्सपेरिमेंट यहां पर करने वाला हूं वो सक्सेसफुल हो सकता है फेल हो जाए। फेल हो गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक लेसन है सबके लिए। क्योंकि मैं अपने सेशन में यही बोलता हूं ना कि एक बार फेल हो गए तो दोबारा ट्राई करो, दो बार फेल हो गए तो एक बार और ट्राई करो, करते रहो जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते। फेलियर से हम इतना क्यों डरते हैं, बड़े से बड़ा क्रिकेटर भी जीरो पे आउट होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक्ट है यहां से पता लगेगा कि एक्चुअल में आप में से कौन लोग हैं जिनका की कनेक्शन मेरे साथ में बहुत ही स्ट्रांग है, जिनका होगा उनकी और मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन हो जाएगी। हो सकता है आप में से दो चार लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है पांच के साथ में हो सकता है दस के साथ में हो। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है, यानी जो मैं बोलता हूं इस एक्ट के एंड में, आप कहते हो कि हां मैं यही सोच रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्ट काम कर गया। आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। अब हम एक इमेजिनेशन वाले मोड में जा रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर सोचिए, कोई भी नंबर हो सकता है, वो दो से दस के बीच में, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करिए, जो भी नंबर आपके माइंड में आया है उसको। अब आपके माइंड में एक दो डिजिट का नंबर आ गया होगा, उन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर दीजिए। अब उसमें से कोई एक नंबर माइनस कर दीजिए, दैट कुड बी 4, 5, 6, व्हाटएवर, चलो 5 पकड़ लेते हैं, 5 माइनस कर दो। तो अब एक नंबर आपके माइंड में आ गया होगा, उसको माइनस करने के बाद में, उसको हम रिमाइंडर बोल सकते हैं। अब वो जो नंबर है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, तो उसमें देखिए कि वो जो नंबर है वो किस पोजीशन पर है। मानिए अगर एक नंबर आपके माइंड में आया है तो अल्फाबेट हो गया A, दो आया है तो B, ठीक है, सबका हो गया, थम्स अप कर दो। इस अल्फाबेट से आप किसी भी कंट्री का नाम सोच सकते हो, जैसे कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, सिटी है अबू धाबी और कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो कंट्री का नाम सोचना है, सिटी का नाम नहीं सोचना है। अब ये जो कंट्री है इसका जो पहला अल्फाबेट है, मान लीजिए अगर वो बी है तो उसका अगला अल्फाबेट क्या होता है, सी। उसके अगले अल्फाबेट से आप किसी एनिमल का नाम सोचिए, बर्ड का नहीं सोचना है, एनिमल का सोचना है। उसकी पूरी इमेज को देखिए जैसे कि आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं अपने माइंड में। अब उसके अंदर कलर भरिए। अब यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, फॉर एग्जांपल अगर पीकॉक आया है आप लोगों के माइंड में तो ब्लू कलर भी आ रहा है, ग्रीन कलर भी आ रहा है, तो आप बोल सकते हो ब्लूइश ग्रीन। जब सबका हो जाए तो थम्स अप कर देना। आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं पूछा है, लेकिन मैंने कुछ सोचा है और कोशिश करी है कि मैं आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकूं।
यानी कि मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग कनेक्ट हो जाए, आपस में अलाइन हो जाए। अब मैं बताता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे थे एक बड़े से ग्रेइश ब्लैक कलर के एलिफेंट के बारे में जो डेनमार्क, अरे पूरा तो होने दो, रुको 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 रुको, पूरा तो होने दो, जो डेनमार्क में है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा परफॉर्मेंस था, देखा कितना ऑडियंस ने कितना एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन ये मैजिक अगर आप करना चाहते हैं कि हाँ ये मैजिक हम भी ऐसे ही ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, ये मैजिक हो सकता है बहुत सारे जादूगर को मालूम है, जिसका मालूम है तो ठीक है कोई बात नहीं, जिसका मालूम नहीं है अगर ये मैजिक आप जानना चाहते हैं कैसे है ये मैजिक संदीप जी ने किया है, ये अगर जानना चाहते तो आप कमेंट में लिखिए कि ये मैजिक सिखाइए, ये मैजिक रिवील कर दीजिए, तो एकदम जैसे इन्होंने किया ऐसे आप भी कर सकते हैं। वो टोटल ट्यूटोरियल हम दूसरे वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देंगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको ये चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में लिखना पड़ेगा ये मैजिक आप सीखना चाहते हैं। इतना करने से ही अगला वीडियो आएगा जिसमें इसका ट्यूटोरियल रहेगा कैसे ये मैजिक किया जाता है। अगर हमारा ये बात आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना। अगले वीडियो में मिलते हैं ये मैजिक के साथ, तब तक के लिए आप बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए, मैजिक में रहिए, मैजिक दिखाते रहिए, सबको खुशी बांटते रहिए। टाटा बाय।